This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांवले सपनों की याद। इस चैप्टर के अंदर जो लेखक हुसैन जी हैं, उन्होंने पक्षी प्रेमी सलीम अली का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है, मतलब उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया कि जो सलीम अली थे, वो एक सैलानी की तरह अपने कंधे पर बोझ उठाए पलायन कर गए। मतलब जैसे आपने एक टूरिस्ट को देखा होगा, अपने कंधे पर बोझ उठाया होता है और वो उस बोझ को उठाकर चले जाता है, इसी तरीके से सलीम अली भी चले गए। परंतु ये उनका आखिरी पलायन था, मतलब दिस वॉज द लास्ट टाइम वो जा रहे थे। आपने देखा होगा टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सलीम अली थे वो फाइनली लास्ट टाइम कहीं जा रहे थे। आखिर वो कहाँ गए? वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसता है। आपने देखा होगा कि एक पक्षी होता है जो अपना आखिरी गीत गाने के बाद मर जाता है, उसी तरीके से वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। सलीम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, तो सलीम ये भी मानते थे कि जो लोग हैं, हम लोग हैं, इंसान हैं, वो पक्षियों को आदमी से ज़्यादातर कंपेयर करते हैं। जैसे अभी हमने सलीम अली को भी दोबारा से कंपेयर करा था एक पक्षी से, तो यहाँ पर वो ये बताते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाया में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, ये कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखता है तो उसे कृष्ण की याद आ जाती है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ, मतलब कि अभी भी हमें उनकी जो श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ थी, धुन थी, आज भी वो वृंदावन में महसूस करी जा सकती है। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया कि वो उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे, मतलब कि 100 साल के होने वाले थे सालिम अली। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था, मतलब अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनकी मौत का कारण बनी। परंतु एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इन सब चीज़ों ने भी मिलकर जो उनकी आँखों में वो रोशनी थी जिससे वो पक्षियों को और पशुओं को तलाश करते रहते थे और उनकी हिफाजत करने की कोशिश करते थे, नहीं छीन पाई। मतलब जो एक उनके अंदर जज्बा था, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो एक उनकी हॉबी थी, पैशन था कि कैसे भी करके मैं पशु पक्षियों की तलाश करूं, उनकी हिफाजत करूं, उनको ये बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं हटा पाई। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वो दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते हुए पाए गए, मतलब कि वो क्या करते थे, अभी लास्ट टाइम चल रहा था उनकी ज़िंदगी का, लेकिन फिर भी वो पक्षियों की तरफ निहारते रहते थे। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल की जो सहपाठी तहमीना थी, उनको चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया, मतलब हर टाइम उनकी वाइफ उनका सपोर्ट करा करती थी। सालिम जी अनेकों अनुभव के मालिक थे। एक दिन वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिलने पहुंचे। तो यहाँ पर जो साइलेंट वैली थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था जो रेगिस्तानी हवाएं आ रही थी उनसे। तो सालिम जी सीधे के सीधे प्रधानमंत्री जी से मिलने पहुंच गए और बोला कि इस मिट्टी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये जो साइलेंट वैली है इसके अंदर, तो
इन सब चीज़ों को जानने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो पर्यावरण है उसको कितना ज़्यादा खतरा है इस चीज़ की वजह से। और जब सालिम जी ने अपनी पूरी बात बता दी चौधरी चरण सिंह जी को, तो वो भी इमोशनल हो गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनकी भी आंखें नम हो गई ये सारी बातें सुनकर कि हमारा पर्यावरण किस तरीके से खतरे में है। सालिम ने अपनी आत्मकथा मतलब कि ऑटोबायोग्राफी में उसका नाम लिखा फॉल ऑफ स्पैरो, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि डीजी लॉरेंस, ये डीजी लॉरेंस का एक पर्सन है, डीजी लॉरेंस, जिनके बारे में उन्होंने एक कथा बताई है कि डीजी लॉरेंस जो थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि अरे मैडम ये बताइए कि ये जो आपके पति थे डीजी लॉरेंस, इनके बारे में कुछ लिखना है हमें, ज़रा इनके बारे में कुछ बताइए तो सही। तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी थी डीजी लॉरेंस की, उन्होंने ये कहा कि मेरे से ज़्यादा तो जो छत पे बैठने वाली गौरैया है, मतलब जो एक बर्ड है गौरैया, वो जानती है मेरे पति के बारे में, डीजी लॉरेंस के बारे में। मुमकिन है कि जो लॉरेंस थे उनका भी सालिम जी से कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। अब बचपन का एक उनका किस्से की बात कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो सालिम जी हैं वो बचपन से ही पक्षी प्रेमी नहीं थे। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से वो पक्षी प्रेमी बन गए? बचपन में वो एयर गन का इस्तेमाल कर रहे थे, एयर गन से शिकार करा जाता है पक्षियों का, तो वो इसी तरीके से शिकार कर रहे थे। शिकार करते समय उन्होंने गौरैया के ऊपर उस एयर गन का इस्तेमाल करा, अब गौरैया को चोट लग गई होगी उसकी वजह से, और इसी वजह से जो सालिम जी थे वो पक्षी प्रेमी बनकर हमें देखने को मिला कि वो उभरे पक्षी प्रेमी बनके। उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही है जो पक्षियों की तरफ उनका वो था, रुझावट थी, मतलब जो अट्रैक्शन था उसकी वजह से वो नए नए रास्तों में जाते रहे। वे एक भ्रमणशाली व्यक्ति थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा घूमना पसंद था, जो कि प्रकृति के दुनिया में एक टापू के बजाय अथा सागर बनकर उभरे। मतलब हमें ये देखने को मिला कि वो बहुत अलग अलग जगह घूमते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे कि कैसे हमें नेचर के साथ अच्छे से रहना चाहिए। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं लेखक परिचय की। जाबिर हुसैन जी ने ये चैप्टर लिखा है। उनका जन्म सन 1945 में हुआ था, जो कि बिहार के अंदर हुआ था उनका जन्म, और ये एक छोटा सा आपको मैंने लेखक परिचय भी दे दिया। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।